और स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल टेक्निकल पार्टी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी व्हीकल का आरसी स्टेटस ऑनलाइन किस तरीके से देख सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल से तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिए परिवहन, उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशनल सर्विसेज है, ठीक है जी। इन्फॉर्मेशनल सर्विसेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका नो योर व्हीकल डिटेल्स, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आपने पहले से ही अकाउंट बना रखा है तो मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करके पासवर्ड डाल के प्रोसीड करके आप चेक कर सकते हो। अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, तो सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी डाल दीजिएगा, जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करते हो जो आपका मोबाइल है उस पर भी एक ओटीपी चला गया है, आपकी ईमेल पे भी एक ओटीपी चला गया है। तो आप अपना मोबाइल में देख लीजिए, जो मोबाइल पे ओटीपी आया उसको यहाँ पे डालिए और ईमेल को लॉगिन कर लीजिए, और जो ईमेल पे ओटीपी आया उसको यहाँ पे डाल के सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही वेरीफाई पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद नीचे पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बता ही देता हूँ। पासवर्ड आप इस तरीके से बना लीजिएगा, कैपिटल और स्मॉल वर्ड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और उसके बाद स्पेशल करेक्टर और न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से पासवर्ड आप क्रिएट कर लीजिएगा। तो दोनों में वही पासवर्ड आप डाल दीजिए जो आपने बनाया है, वही पासवर्ड डाल के सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, सिटीजन यूजर हैज बीन क्रेडिट सक्सेसफुली, थैंक यू, बैक टू व्हीकल सर्च। इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो, या परिवहन पे भी, या नो योर व्हीकल डिटेल्स, इन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। हम यहीं पे नो योर व्हीकल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो भी आपने रजिस्टर किया है और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, जो पासवर्ड आपने बना के रजिस्टर किया था तो वो पासवर्ड यहाँ पे डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के वाहन सर्च पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो व्हीकल की आरसी है उसका कंप्लीट स्टेटस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो व्हीकल की आरसी है वो उसका क्या है कंडीशन, वो एक्टिव कंडीशन में है, तो सक्रिय कंडीशन में है। और यहाँ पे उसके बाद ये अदर डिटेल आप देख सकते हो, फिटनेस कब तक वैलिड है और टैक्स कब तक वैलिड है, पीयूसी जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वो कब तक वैलिड है, इंश्योरेंस कब तक वैलिड है, यहाँ पे कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो अदर डिटेल पे आपको दिख जाएगी कि परमिट डिटेल्स दिख जाएगी, परमिट कब तक वैलिड है, और यहाँ पे फिटनेस उसका आ गया है, और यहाँ पे परमिट नंबर आपको दिख जाएगा, परमिट कब तक वैलिड है वो दिख जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा कि व्हीकल लोन पे है या नहीं, तो फाइनेंस्ड है व्हीकल, तो यहाँ पे यस आ रहा है, तो यहाँ BS4 कैटेगरी है। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हो, और भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, और जैसे ही मैंने आपको बताई है अगर और भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो जो परिवहन की एप्लीकेशन है ये वाली, इसका यूज आप कर सकते हैं। इसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है, तो इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो एम परिवहन की जो ऐप है। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर इस चैनल पे आने के बाद हमारे जो चैनल है इस पे जो सर्च बार है इस पे क्लिक करके एम परिवहन ये आप डाल दीजिएगा। जैसे ही आप डालते हो तो सबसे ऊपर ये वीडियो आपको दिख जाएगी, तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है जी। और व्हीकल रिलेटेड जो भी आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो सिंपली यहाँ पे डाल दीजिएगा व्हीकल। जैसे व्हीकल आप डालते हो यहाँ पे तो चाहे व्हीकल ट्रांसफर हो, व्हीकल एचपी टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट आरसी, व्हीकल आरसी पर्टिकुलर, व्हीकल आरसी डाउनलोड करना चाहते हो, व्हीकल पे चालान देखना चाहते हो, या व्हीकल रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो उससे रिलेटेड काफी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइसेंस रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो चाहे लर्निंग लाइसेंस है, परमानेंटियल, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी लाइसेंस रिलेटेड काफी वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। और अबाउट पे क्लिक करके सोशल साइट पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अबाउट पे क्लिक करोगे नीचे की तरफ आओगे तो सोशल साइट के लिंक हमने दे रखे है, और यहाँ पे भी हमने लिंक दे रखे है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन हमको कर सकते हैं। प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो काफी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे ज्यादा जो वीडियो हमने अपलोड कर रखी है वो लाइसेंस रिलेटेड
276 वीडियो अपलोड कर रखी है। वहीं जो व्हीकल रिलेटेड वीडियो है, ठीक है, व्हीकल रिलेटेड 205 वीडियो अपलोड कर रखी है, और पासपोर्ट रिलेटेड 20 वीडियो अपलोड कर रखी है, और भी काफ़ी कैटेगरी से रिलेटेड हमने वीडियो अपलोड कर रखी है। देखना अगर आप इनको चाहते हो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।